देखिए आरजेडी के लोग क्या बोलते रहते हैं उस पर हम सब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लंबे अरसे से एनडीए की सरकार चला रहे हैं और बिहार को हम सबों ने बदलने का काम किया है। और इफ्तार में शामिल होना कोई ये तो अच्छी बात है कि सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है, लेकिन एक दूसरे के यहाँ इस तरह के अवसरों पर जाना और उसकी राजनीति क्या लगाना, ये कहीं न कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। इन चीज़ों से बचना चाहिए, खास करके इस तरह के आयोजन को इस स्वरूप यह स्वरूप देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पर्व त्यौहार हम लोग मनाते हैं, एक दूसरे के यहाँ हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस तरह का कयास नहीं लगाना। तैयारी की गई है भव्य समारोह का, कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह तो पूरे देश के लिए लड़े, पूरे भारतवर्ष के लिए लड़े, लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं कि वो अपने बिहार की इस मिट्टी से आए जहाँ शौर्य और वीरता और शांति, भगवान बुद्ध का की भी कर्मभूमि रही, महावीर का जन्म स्थान रहा, बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा यहाँ पैदा लिए, तो ये शौर्य की भूमि रही है। और आज इस अवसर पर भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन और लगभग 75,000 से 1.5 लाख तक अपने बिहार के लोग राष्ट्रीय झंडा लेकर जब एक साथ खड़े होंगे तो कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की भावना भी प्रबल होगी और एक यह कीर्तिमान होगा कि बिहार भी इतने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय झंडे को लेकर एक साथ बिहार के लोग खड़ा हो सकते हैं। ये हम सबों के लिए गौरव की बात है और हम सब बिहारवासी इससे गौरवान्वित होंगे। मोदी जी के ट्वीट पर कुछ कहेंगे कि वो कहते कि चिंतन करना चाहिए एनडीए के? नहीं, हमारे नेता हैं, देखिए हम लोग तो समीक्षा करते ही रहते हैं, इस तरह का जब भी अवसर आता है हम लोग समीक्षा करते हैं।